नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ मंडलीय जिला अस्पताल में लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन द्वारा शुद्ध नहीं लेने से मरीज व उनके परिजन गंदा पानी पीने को मजबूर है। ऐसे में मरीज आते तो हैं अपना इलाज कराने, लेकिन अस्पताल का गंदा पानी पीकर और भी ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। समय के साथ साथ टंकी साफ सफाई के अभाव में बदहाल हो गई है। इतना ही नहीं, टंकी की छत टूट जाने के कारण उसमें कीड़े रेंग रहे हैं, तो वहीं धूल मिट्टी कचरा सहित पक्षी बंदर आदि उसमें घुसकर अपनी प्यास बुझाते हैं। मरीज अपनी प्यास बुझाने के लिए मजबूर होकर अस्पताल परिसर में लगे नल से मजबूर होकर खराब पानी पी रहा है, जिससे अस्पताल प्रशासन की उदासीनता साफ नजर आ रही है। सरकार द्वारा कई योजनाएँ मरीजों के हित में चलाई जा रही है, लेकिन उनको पूरी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पेयजल समस्या से निपटने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अस्पताल में मरीजों को गंदा पानी ही नसीब हो रहा है। मंडली जिला चिकित्सालय प्रांगण में पीने का स्वच्छ पानी पीने के लिए जो टंकी लगी उसका छत काफ़ी दिनों से टूटा है, जिसमें पानी में कीड़े और बहुत सारे कूड़े करकट पड़ चुके हैं, पड़े हुए हैं। वही पानी मरीज और ईमानदार पीते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें जो एक ठीक है वो चल रहा है, बाकी जो तो टूटे हुए हैं उसको बंद कर दिया गया है, उसकी टूटी बंद है, वो पानी उधर नहीं जा रहा। नहीं, टूटे हुए जो छत, हाँ, उसको मरम्मत के लिए डाला गया है, बंद है वो, मगर उसमें पानी मौजूद है, वो पानी अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, वो नहीं इस्तेमाल हो रहा, टूटी बंद है उसकी, जो कि ये काफ़ी दिनों से ये टूटा हुआ है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।